इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, विच पर्टेन्स टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ शुगर केन कैन बी इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ। शुगर केन प्लांट्स की हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस हार्मोन की वजह से बढ़ाया जा सकता है? और इसका आंसर है डी, जिबरलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइटोकाइनिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम। पहला साइटोकाइनिन किस चीज से आइसोलेट किया गया था? और इसका आंसर है सी, हेरिंग स्पर्म। हेरिंग एक किस्म की फिश है और इसके स्पर्म से पहला साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइटोकाइनिन बिसाइड्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनर्स, यानी साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या होता है? इसका आंसर है ए पार्ट, दैट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इथाइलिन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय। इथाइलिन गैस प्लांट्स के कौन से पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं? और इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज रूट्स, नोड्स, इंटरनोड्स, ये सारे प्लांट पार्ट्स इथाइलिन को प्रोड्यूस करते हैं, इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम जियाटिन वॉज कॉइंड बाय। जियाटिन साइटोकाइन्स होते हैं जो कि प्लांट्स से निकाले गए थे पहले, ये नाम जियाटिन किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है दैट इज द डी पार्ट, लिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन इनिबिट्स, जो इथाइलिन है ये इनमें से किस चीज को इनिबिट करता है, रोकता है, कम करता है? और इसका आंसर है सी पार्ट, रूट इलोंगेशन एंड स्टेम इलोंगेशन। यानी जो इथाइलिन होता है ये ना रूट्स को इलोंगेट होने देता है ना स्टेम को इलोंगेट होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन कैन बी इनिबिटेड बाय इंक्रीजिंग। इथाइलिन का जो इफेक्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, किस चीज को बढ़ाकर इथाइलिन के इफेक्ट को कम किया जा सकता है? और इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इथाइलिन उतना ही कम इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन इज नॉट नोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी। इथाइलिन इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं करते? और इसका जो आंसर है दैट इज एल्गी। आज तक नहीं देखा गया कि एल्गी इथाइलिन को प्रोड्यूस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर प्लांट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन इज। और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, शूट एपेक्स। शूट एपेक्स में इथाइलिन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन प्यूरिन कंपाउंड शोइंग साइटोकाइनिन एक्टिविटी। साइटोकाइनिन यूजुअली ये प्यूरिन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ नॉन प्यूरिन कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें साइटोकाइनिन एक्टिविटी होती है, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है? और इसका जो आंसर है दैट इज सी, बेंजीमिडाज़ोल। बेंजीमिडाज़ोल जो है ये ऐसा नॉन प्यूरिन कंपाउंड है जो कि साइटोकाइनिन एक्टिविटी दिखाता है, जो कि सेल्स में सेल डिवीजन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ फॉर द इथाइलिन इज। इथाइलिन इनमें से किस कंपाउंड से बनता है? और इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, मिथियोनिन। मिथियोनिन एक एमाइनो एसिड है जिससे इथाइलिन बनता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ ऑल जिबरलिंस इज। जिबरलिंस का नेचर क्या होता है, क्या वो बेसिक होते हैं, क्या वो एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका जो आंसर है कि सारे के सारे जिबरलिंस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जिबरलिन टू बी डिस्कवर्ड वॉज। पहला वो जिबरलिन जो डिस्कवर हुआ था, क्या GA1 डिस्कवर हुआ था, GA2 डिस्कवर हुआ था, GA3 डिस्कवर हुआ था या G4 डिस्कवर हुआ था? और इसका आंसर है GA1। GA1 वॉज द फर्स्ट जिबरलिन विच वॉज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन यूज टू प्रमोट बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स इज। वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट्स में बोल्टिंग प्रमोट करता है? बोल्टिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स इलोंगेट हो जाते हैं जस्ट बिफोर रिप्रोडक्शन, यानी फ्लावरिंग से पहले प्लांट्स का लंबा होना, इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। और इसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? और इसका आंसर है सी पार्ट, दैट इज जिबरलिन। जिबरलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेटल डिस्कलरेशन इन पॉलिनेटेड ऑर्किड्स इज caused by, यानी जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं उनमें पेटल की डिस्कलरेशन, यानी पेटल्स जो अपना कलर लूज करते हैं,
वो किस हार्मोन की वजह से है, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस इज, साइटोकाइनेसिस की मोमेंट क्या है, कैसी होती है प्लांट्स में, तो इसका जो आंसर है दैट इज नॉन पोलर एंड बेसिपिटल, नॉन पोलर एंड बेसिपिटल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए एंटी जिबरलिन, और इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड दैट इज ए बी ए बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सिसिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड इन, एब्सिसिक एसिड प्लांट के किस पार्ट में बनता है, और इसका आंसर याद रखना है आपको मैच्योर लीव्स है, मैच्योर लीव्स में एब्सिसिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड वाया, एब्सिसिक एसिड इनमें से किस पाथवे के थ्रू बनता है, और इसका आंसर है बी पार्ट मेवलोनिक एसिड पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रिवेंटिंग सी डोरमेंसी इज, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि सी डोरमेंसी को प्रिवेंट करता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटा क्लोजर इन रेस्पॉन्स टू लीफ स्ट्रेस इज मीडिएटेड बाय, यानी जब लीफ में वाटर का स्ट्रेस पड़ता है उस स्ट्रेस की वजह से स्टोमेटा बंद होते हैं, वो किस केमिकल की वजह से या किस हार्मोन की वजह से बंद होता है, तो इसका आंसर है फोर्थ या डी पार्ट दैट इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करता है व्हेन लीफ इज अंडर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, एब्सिसिक एसिड इनमें से क्या कंट्रोल करता है, और इसका आंसर है डी पार्ट दैट इज लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी आपको याद रखना है जो कि एब्सिसिक एसिड के मेन रोल्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर फॉर्मेशन इन प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय, प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स बनते हैं, ये रूट हेयर्स जो है इनको, इनके बनने को कौन प्रमोट करता है, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स, तो इसका आंसर आपको याद रखना है दैट इज डी इथाइलिन। नेक्स्ट वन फ्लावरिंग इन मैंगो इज इंड्यूस्ड बाय, मैंगो में फ्लावरिंग किस हार्मोन की वजह से होती है, स्टार्ट होती है, और इसका भी आंसर है डी इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन इज, इथाइलिन इनमें से किस कंपाउंड से यूजुअली हासिल किया जाता है दैट, और इसका आंसर है सी पार्ट एथिफोन, एथिफोन इज द कंपाउंड जहां से इथाइलिन को हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन यूज्ड फॉर अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज, इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसे फ्रूट्स को जल्दी ही पकाया जा सकता है, यानी अर्ली राइपनिंग की जा सकती है, और इसका आंसर है बी पार्ट इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेंस और मोस्टली साइटोकाइनेंस इनमें से क्या होते हैं, यूजुअली इनका नेचर क्या होता है, और इसका आंसर है सी पार्ट एमाइनोप्यूरिन्स, साइटोकाइनेंस एमाइनोप्यूरिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकोनट मिल्क कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स, इनमें से कोकोनट मिल्क में कौन सा फाइटो हार्मोन होता है, और इसका आंसर है साइटोकाइनिन, यानी नारियल पानी में साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, इनमें से कौन सा वो हार्मोन है जो कि फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रिवेंट करता है, जो कि फ्रूट्स को प्लांट से गिरने नहीं देता है, और इसका आंसर है ए पार्ट दैट इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, प्लांट्स में शूट के बनने को इनमें से क्या कंट्रोल करता है, और इसका आंसर है बी पार्ट लो ऑक्सिन एंड हाई साइटोकाइनिन रेशो, ये आपको याद रखना है, जब प्लांट्स में ऑक्सिन कम हो साइटोकाइनिन ज्यादा हो तब शूट बनता है, और याद रखना इसका उल्टा, जब ऑक्सिन ज्यादा हो और साइटोकाइनिन कम हो तब रूट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय, जाइलम जो प्लांट्स में एक टिश्यू होता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वो किस हार्मोन की वजह से बनता है, और इसका जो आंसर है दैट इज ए ऑक्सिन, ऑक्सिन इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटी ऑफ अल्फा एमाइलेज इन द एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सीड और बार्ले इज इंड्यूस्ड बाय। जो बार्ले के सीड्स होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, उनमें एक टिश्यू होता है दैट्स कॉल्ड एज एंडोस्पर्म और उसमें एक एंजाइम होता है दैट इज अल्फा एमाइलेज। ये अल्फा एमाइलेज को कौन एक्टिवेट करता है, कौन सा हार्मोन एक्टिवेट करता है? और इसका जो आंसर है दैट इज डी, जिबरलिन। सो जिबरलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, क्योंकि जिबरलिन जो है ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अल्फा एमाइलेज एंजाइम फिर स्टार्च को डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अवेलेबल होता है फॉर द जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि बोथ ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है? और याद रखना है दैट इज इथाइलीन। इसका आंसर है इथाइलीन। इथाइलीन इज द ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। यानी जिन प्लांट्स में जिंक की डेफिशिएंसी होती है उनमें इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं बनता है? और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट इंडोल एसिटिक एसिड, यानी ऑक्सिन। जब प्लांट्स में जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो ऑक्सिन नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन इन्वॉल्वड इन फोटोट्रोपिज्म इज, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्वड होता है? और इसका जो आंसर है दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, यानी एक ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम द टिप ऑफ कोलिप्टाइल। किसने कोलिप्टाइल टिप से ऑक्सिन को आइसोलेट किया? और इसका जो आंसर है दैट इज वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन अनपोलिनेटेड पिस्टल्स कैन फॉर्म। ऐसे फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन नहीं हुई हो, अगर इन प्लांट्स पर ऑक्सिन का स्प्रे किया जाए तो उससे क्या होगा? तो उससे यह होगा कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनेंगे, यानी इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो है वो बनते हैं बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड क्या है? और इसका आंसर है कि ये एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन है, यानी एक ऐसा ऑक्सिन है जो कि नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल रेस्पॉन्स इन डाइकॉट सीडलिंग्स ऑकर्स ड्यू टू। प्लांट्स में ट्रिपल रेस्पॉन्स किस हार्मोन की वजह से होता है? और इसका जो आंसर है दैट इज बी, इथाइलीन। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑक्सिन। तो अगर आप ऑक्सिन का छिड़काव करते हो उसकी वजह से फ्रूट एंड लीव ड्रॉप जो है वो नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एजेंट ऑरेंज। जो एजेंट ऑरेंज जिसको यूज किया जाता है फॉर डिफोलिएशन ऑफ प्लांट्स, उसमें से एक कंपोनेंट कौन सा होता है इनमें से? और इसका आंसर है 2,4-D, दैट इज 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये एजेंट ऑरेंज का एक कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सूटेबल फॉर फ्रूट रैपनिंग। इनमें से कौन से दो ऐसे गैसेज है जिनको फ्रूट रैपनिंग के लिए यूज किया जाता है? और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, 80% इथाइलीन एंड 20% कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है फॉर फ्रूट राइपनिंग। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कैरोटीनॉइड। और इसका जो आंसर है दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हार्मोन कैरोटीनॉइड पिगमेंट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनानास कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाय। तो अगर आप चाहते हो कि बनाना ज्यादा राइप ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है यू हैव टू डिप बनानास इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है सी पार्ट,
डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में डिप करके आप बनानास के ओवर राइपनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन ऑकर्स वाया। साइटोकाइनिन की सिंथेसिस इनमें से किस पाथवे के थ्रू होती है, और इसका आंसर है बी पार्ट, मेवेलोनिक एसिड पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व्ड होता है, और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर ऑकर्स ड्यू टू, और इसका जो आंसर है दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन की वजह से एब्सिशन लेयर बनती है, और एब्सिशन लेयर की वजह से लीव्स और फ्रूट्स की एब्सिशन होती है, लीव्स और फ्रूट्स प्लांट से गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑक्सीजन इन हायर प्लांट्स इज, जो प्लांट्स है उनमें मेन ऑक्सीजन कौन सा होता है, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स विच हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन के लिए, और इसका जो आंसर है याद रखना है दैट इट इज ऑक्सीजन ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट टू इज मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड जबरलिन इज, और इसका आंसर है GA3। सबसे ज्यादा रिसर्च आज तक, सबसे ज्यादा काम आज तक जबरलिन दैट इज GA3 पर हुआ है। विद दिस वी एंड पार्ट टू ऑफ MCQs related to plant growth regulators.